हेलो स्टूडेंट्स, मैं रातुल पटेल, समर्पण IAS लखनऊ सेंटर से। आज इस वीडियो के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसको शुरू करके उसके पॉइंट्स को और उसके टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। तो जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी हमें UPSC के लिए या स्टेट PCS के लिए पढ़ने हैं, तो हमें उसके बेसिक्स के बारे में पहले पता होना चाहिए। और जब बेसिक्स की बात करते हैं तो सैटेलाइट और उनके ऑर्बिट्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जब हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि सैटेलाइट ऑर्बिट होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ऑर्बिट क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी। तो ऑर्बिट एक पाथ होता है, जिस पाथ पे सैटेलाइट ऑर्बिट करता है या रिवॉल्यूशन करता है अर्थ का, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं। उन ऑर्बिट्स की कई कैटेगरी है। ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ऑर्बिट एलिप्टिकल और सर्कुलर हो सकता है। सर्कुलर ऑर्बिट्स को अगर हम एल्टीट्यूड के बेसिस पे, जो सी लेवल से, अर्थ के सी लेवल से उसकी जो हाइट होगी उसके बेसिस पे जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं, तो हम पाते हैं कि पहला क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ये सारा सर्कुलर ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, थर्ड है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स, फोर्थ है हाई अर्थ ऑर्बिट, और एक और टाइप का ऑर्बिट जो हम पढ़ते हैं वो है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स। तो अब हम जानते हैं, देखते हैं कि ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं। अगर ये एक अर्थ है तो लो अर्थ ऑर्बिट कहां से कहां लाई करता है? तो लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ के अबव 180 किलोमीटर अबव अर्थ सी लेवल से 2000 किलोमीटर तक की रेंज में लाई करता है, लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब इस रेंज में अगर हम कहीं पे भी सैटेलाइट को प्लेस करें तो हम कहेंगे कि हमने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है। जब हम लो अर्थ ऑर्बिट के अबव की रेंज में जाते हैं तो 2000 से अबव और 35,786 किलोमीटर्स से कम की जो रेंज होती है वो दी जाती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट को, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। अगर इस रेंज में हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं ऑर्बिट में तो वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कहा जाता है। और जो एग्जैक्ट फिगर है 35,786 वाला जो हाइट है, उस हाइट में अगर हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं तो उसको कहते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इसी को, इसी लाइन में अगर हम कहेंगे तो इसको कहेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसको याद करने के लिए हम इसको अप्रॉक्स करके 36,000 फिगर में याद कर सकते हैं, 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। जब हम इस रेंज से अबव जाते हैं तो इस रेंज के अबव हम जितना भी दूर जाएंगे वो सारा हाई अर्थ ऑर्बिट में आएगा, वो सारी रेंज हाई अर्थ ऑर्बिट में मानी जाएगी। अब बात करते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स की। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं। पोलर ऑर्बिट्स वो होते हैं जो पोल्स के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं अर्थ का, और जिनका ऑर्बिट का जो इक्वेटर से इंक्लाइनेशन एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, उनको हम कहते हैं पोलर ऑर्बिट्स। पोलर ऑर्बिट्स का ही एक टाइप है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स, और इसको नियरली पोलर ऑर्बिट्स कहते हैं। नियरली
अब पोलर ऑर्बिट्स कहते हैं, इसकी जो रेंज होती है वो होती है एल्टीट्यूड की हाइट की, वो होती है 700 टू 800 किलोमीटर्स अबव अर्थ सी लेवल, मतलब ये कहीं पे लाई करेगा लो अर्थ ऑर्बिट के रेंज में। तो ये होते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स। अब एक और ऑर्बिट जिसकी चर्चा जिसके हम बार बार सुनते हैं वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक टाइप का जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है। अगर उसका पहली कंडीशन ये है कि वो इक्वेटर के अबव प्लेन पे लाई करना चाहिए, इक्वेटर प्लेन पे लाई करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो अपना एक ऑर्बिटल पीरियड 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। और उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 36,000 किलोमीटर पे स्थित है, तो वह एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, कुछ इस तरह से। तो ये होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक टाइप है, जैसे कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स पोलर ऑर्बिट्स के एक टाइप। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो ऑर्बिट टॉपिक हमने पढ़ा उससे किस तरह के क्वेश्चंस राइज होते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जब क्वेश्चन की राइजिंग की बात हम करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है प्री एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला इस क्वेश्चन को थोड़ा हम देखते हैं, पहले क्या मेंशन कर रहा है ये। सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अ सैटेलाइट इज सेट टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे कि नहीं। तो पहली स्टेटमेंट है द ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, बिल्कुल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस होता है, ये बात सही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है द ऑर्बिट इज सर्कुलर, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सर्कुलर मोशन करता है, बिल्कुल ये बात भी सही है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो दो कंडीशन थी ऑर्बिट का जियो स्टेशनरी होना, वो पहली कंडीशन ये थी कि वो ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस होना चाहिए, मतलब उस ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए 35,786 किलोमीटर अबव अर्थ। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो ऑर्बिट अर्थ इक्वेटर के अबव होना चाहिए, एक इक्वेटोरियल ऑर्बिट होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि जियो सिंक्रोनस की दो कंडीशंस को पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर थ्री फुलफिल कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि द ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर, ये करेक्ट नहीं क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑर्बिट की हाइट 35,786 होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए जो कि कह रहा है द स्टेटमेंट ट्रू इज 1, 2 एंड 3, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।